गैरसैंण पर फिर से सियासत जो है वो गर्मा रही है। आज गैरसैंण जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत, हरदा करेंगे राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा। हमने विधानसभा बनवाया, सरकार ने क्या किया, हरीश रावत का ये सवाल है। तो गैरसैंण पर सियासत जो है वो गर्माती हुई लगातार जो है नजर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत कई बयान भी इस दौरान देते नजर आए गैरसैंण को लेकर। आज गैरसैंण जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत, राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और इस बीच कई बयान भी हरीश रावत के सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत का साफ कहना है कि हमने विधानसभा बनवाया, सरकार ने क्या किया। ये तीखे सवाल हरीश रावत के सरकार से है। हरीश रावत का ये सवाल सरकार से है कि हमने विधानसभा बनवाया, सरकार ने क्या किया। लगातार हरीश रावत अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और गैरसैंण को लेकर आए दिन राजनीति के साथ साथ कई बयान भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं हरीश रावत। बेतुके बयान की वजह से भी चर्चे में बने रहते हैं और एक बार फिर से गैरसैंण पर सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। आज गैरसैंण जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत, तो गैरसैंण जाकर समीक्षा बैठक करेंगे, कामकाज भी देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, राज्य सरकार के कामकाज का ब्यौरा बताएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सुरेंद्र, आज गैरसैंण जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत, क्या कुछ इनके कार्यक्रम की डिटेल है आज की? जी पूजा, बिल्कुल, जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे हैं हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसमें राजनीतिक हलचल बनी रहे, तो ऐसी एक मुद्दा आज उनका है। गैरसैंण में वो कार्यक्रम में रहेंगे और प्रदेश सरकार के जितने अभी तक के ये पिछले वर्षों में जो काम किए गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई ऊर्जा जगाने का काम भी करेंगे। और जो कार्यक्रम के तहत उनका आज बैठक भी है कार्यकर्ताओं के साथ वहीं, और कार्यकर्ताओं से ही जो फीडबैक लेंगे कि किस तरह का काम वर्तमान सरकार कर रही है प्रदेश में। जी सुरेंद्र, मतलब साफ तौर से राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे आज हरीश रावत। सुरेंद्र, हमेशा नजर आता है हरीश रावत कई बेतुके बयान के वजह से चर्चे में रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं राजनीति में, एक बहुत ही प्रमुख चेहरा है हरीश रावत का। ऐसे में एक बार फिर से हरीश रावत ने अहम सवाल किया है कि हमने विधानसभा बनवाया, सरकार ने क्या किया, सरकार के ऊपर एक बड़े सवाल, गंभीर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं हरीश रावत। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हरीश रावत ने तब भी कहा था जब ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा की गई थी, तो उनका कहना था कि सपना स्थायी राजधानी का था, ग्रीष्मकालीन राजधानी की तो कभी किसी ने सोच रखी नहीं, तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहिए। तो आज भी उम्मीद है कि कुछ न कुछ सरकार पे किस तरह का एक कटाक्ष करेंगे हरीश रावत, क्योंकि बड़े बड़े कद के नेता है कांग्रेस के और प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं इस तरह की उम्मीदें हैं कि हरीश रावत कुछ न कुछ प्रदेश सरकार पे सवाल करेंगे। चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।